लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। गौशाला सचिव ने पल्ला झाड़ लिया है पूरे मामले से। सचिव का बयान है कि 3 गायों को छोड़कर शेष मरी हुई गाय गौशाला की नहीं है। गायों के मौत होने के कारण भी अभी तक सामने नहीं आ पाया। आखिर मृत गायों को किसने यहां पर फेंका है, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। नर्सरी की खाली भूमि पर अधिकांश गायों की गर्दन भी दरअसल गायब है और गौशाला कमेटी पर अब उठ रहे सवाल इस वक्त बड़ी खबर है। तस्वीरें हम आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिखा सकते और यहां पर कहा जा रहा है कि 20 गायों की डेड बॉडी यानी शव मिला है, लेकिन जो गौशाला के संरक्षक हैं उनका कहना है कि 3 गायों को छोड़कर यहां की गायें नहीं है। आखिर किसने यहां पर लाकर फेंका है इन गायों को, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही और धोवालाई का यह पूरा मामला है। प्रदीप इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। प्रदीप, वाकई में बेहद संवेदनशील मामला, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई? देखिए संजय, ये गोविंदगढ़ थाना इलाके के धोबलाई गांव का मामला है जहां श्री कृष्ण गौशाला है। उस गौशाला के ठीक पीछे की तरफ जो खाली चारागाह भूमि है वहां इन गायों के शव पड़े हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अधिकांश गायों के जो सर हैं वो धड़ से अलग हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन गायों के जो सर हैं वो कौन काट के ले गया। इधर जब हमने गौशाला की जो सचिव हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने तो गाय मरने की बात से इनकार तक कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने 3 गायें गौशाला की मरने की बात कही है। लेकिन यहाँ गायों की संख्या तस्वीरों में दिख रही है वो 20 के ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा ही होता है कि क्या ये गायें गौशाला की हैं या फिर गांव में जो आवारा गायें हैं वो हैं। लेकिन इन गायों के जो सर हैं वो धड़ से अलग हैं, तो इस पे जांच की दरकार है। इधर जो गोरक्षक हैं उनमें इस घटना को लेकर आक्रोश है संजय। प्रदीप, लेकिन सवाल ये है कि गायों की अगर मौत नेचुरल होती है तब समझ में आता है, यहां पर गायों की कहा जाए कि हत्या करके फेंका गया है या गर्दन अलग है तो बहुत ही संवेदनशील मामला है। पुलिस के पास कोई जानकारी अब तक? देखिए, जो गोविंदगढ़ थाना प्रभारी हैं पृथ्वीराज, वो भी इस घटना की सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो गौशाला के कमेटी के जो सदस्य हैं पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की। लेकिन इस बातचीत में भी ये खुलकर सामने नहीं आया कि आखिरकार ये गाय इस गौशाला की थी या फिर। बिल्कुल सही जांच का विषय है। प्रदीप, शुक्रिया इसमें तमाम जानकारी के लिए। लेकिन पुलिस के साथ ही साथ गोरक्षक दल भी इस वक्त सक्रिय दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है।